धार ब्लॉक के किसानों की ओर से एक शिष्टमंडल करतार सिंह के नेतृत्व में भाजपा के पंजाब प्रदेशाध्यक्ष अश्विनी शर्मा से मिलने पहुंचा। यहां उन्होंने एक मांग पत्र उन्हें दिया और उनसे ये उम्मीद जताई है कि वन विभाग की ओर से जो उनकी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है वो उन्हें उससे मुक्त करवाकर उनके साथ इंसाफ करेंगे। जिसके उत्तर में अश्विनी शर्मा ने ये किसानों को भरोसा दिलाया है कि वे उनके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इस मौके पर एमएलए दिनेश सिंह बब्बू, जिला अध्यक्ष विजय शर्मा, राकेश शर्मा, डॉक्टर समरिंदर शर्मा और गुलजार सिंह उपस्थित थे। ऐसा कि किसानों नूं लेके कांग्रेस का जिहड़ा दोहरा चेहरा है वो उजागर होया और असल च कांग्रेस कभी भी किसानों की हितैषी नहीं हुई। ऐ नहीं हो सकता किसान किसान है चाहे वह धार च रहे चाहे हिंदुस्तान के किसी भी इलाके च रहे, लेकिन जिस प्रकार धार के अंदर किसानों की जमीन खोती जा रही है, मालकी उन्होंने ना और लंबे समय तो वो उत्थे बाई कर रहे ने, लेकिन सरकार ने उन्हां दी जमीन बचाण दी जगह इतनी जल्दबाजी कीती कि इंतकाल अपने नाँ चढ़ाने की कोशिश हो रही है, गरदौरियां अपने नाँ चढ़ रही हैं। मैं मामला पंजाब दे मुख्यमंत्री दे बहरे कन्ना तक भी असी जरूर पहुँचाया है लुधियाना दी रैली दे अंदर, और ये गल कही है कि चन्नी साहब बार बार सैशन बुलाते हो, तुसी सैशन बुलाने का तुहानू बड़ा चाह है। साढ़े धार ब्लाक के किसानों बचाने लिए उन्हां दी जमीन बचाने लिए कदों तक कदों सैशन सदोगे? मैनू पता कोई जवाब नहीं आना। असी जो साढ़े अधिकार लोकतांत्रिक अधिकार है उन्हां दा भी इस्तेमाल करांगे, कानूनी अधिकारां दा भी इस्तेमाल करांगे और साड़ी सरकार पंजाब दे अंदर बंदी है तो इन्हां कानूनां नू जिहड़े जिदी आड़ दे अंदर वो जमीन खो रहे उन्हें रद्द कर भी करांगे और प्रधानमंत्री जी नू राज्यपाल जी नू जिहड़ा मेमोरेंडम अज इन्हां ने भेजा उन्होंने ध्यान से सारा मामला आए कि पंजाब रही है किस प्रकार उन्हां नू घरों बेघर कर रही है, किस प्रकार उन्हां दी रोजी रोटी दे उत्ते लत मार रही है, ये सारी जानकारी उन्हां नू देंगे। और जिहड़ा अध्यक्ष जी ने एक सुझाव दिता है कि राज्यपाल नू और शेखावत जी नाल उन्हां दी डेपुटेशन की मुलाकात कराई जाए, ये मैं जल्दी यदा प्रबंध करांगा। लेकिन मैं अपने किसान भीरां नू भी ये कह देना चाहना कि चाहे दिनेश जी दिनेश सिंह बब्बू ने, चाहे करतार ने, चाहे गुलजार जी ने, चाहे धार के अपने सब अध्यक्ष ने जां पार्टी के लोग ने, हमेशा असीं तुहाडे नाल हाँ, पहला भी तुहाडे नाल सी, अज भी तुहाडे नाल हाँ। तुहाडी लड़ाई नहीं है, साडी लड़ाई है, इहनूं असीं हर पद्धर ते लड़ांगे। वड्डी मंग है जिहड़ी जमीन धक्के नाल पंजाब सरकार ने महकमा जंगलात के नाल लोगों की जमीन शामला जमीन और पंचायत की जमीन बिना किसी कोर्ट की जजमेंट तो, बिना किसी ऑर्डर तो, बिना किसी नोटिफिकेशन तो, जमीन का ट्रांसफर जां तां नोटिफिकेशन नाल उसके सैक्शन चार का नोटिफिक एक्वायर करके हो सकती है, जां बंदा खुद बेचे तो ट्रांसफर हो सकती है, जां कोई मर जाए तो ट्रांसफर होती है। पर यह धक्के ही जमीन मालकां की पंचायत की शामला जमीन उन्होंने 27,550 एकड़ जमीन जी है वह इंतकाल जिन्हों के मालक के ना रजिस्ट्री है उन्होंने ना इंतकाल है और 100 साल तो लगातार बांधे रहे हमेशा पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी पुश्तैनी जी उन्होंने पुश्तैनी जमीन सी वह सारी की सारी उन्होंने चुके ट्रांसफर करती है और बहुत ज़्यादा धक्का आया बड़ा इस सरकार का पंजाब जब की कांग्रेस सरकार से एक किसानों के बिल्कुल सरासर खिलाफ काम किया और बड़ा गरीबों का धक्का आया। जी मरले जमीन अलॉट कर रही सगियाँ असी पंचायतों वो भी अलॉट नहीं कर सकियाँ क्योंकि वो सारी जमीन ना हो, ईवन के रस्ते शमशान घाट मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ये सारिया जमीन चुकी उन्होंने सारी दारिया जमीन चुके पंचायत महकमा जंगलात ने करती ने। असी उसके खिलाफ एक धरना भी दिते, काफ़ी बार धरने भी दते ने, मानजोग DC साहब को मिले, बड़ी बार अं बड़िया कोशिशों कितिया किसी ने नहीं सुनी। हूँ असं हाईकोर्ट भी गए, हाईकोर्ट अभी डबल बेंच से केस लाया, असी डबल बेंच से बुलाया, सिंगल बेंच से बुलाया, लोअर कोर्ट से बुलाया, सारे लोग हरासमेंट हो रहे, लगातार हरासमेंट हो रहे हैं। इस करके असी यह सारा मेमोरेंडम
हूँ अं बीजेपी के दफ्तर इस करके आए कि असी अपने स्टेट के प्रेजिडेंट जी ने एक लुधियाने विखे एक रैली में जो अनाउंस किया अं सुने हम लोगों के सारे किसानों से कहना आस की किरण एक बीजेपी तो जागी है कि हूँ बीजेपी शायद लोगों की सुनेगी और दोबारा लो मालकों और पंचायत में जमीन वापस मिलेगी। सानू यह समझ नहीं आई कि पंचायतों दमीनों भी चुके महकमा जंगलात क्योंकि वो एक डिपार्टमेंट से वो भी एक सैमी गौरमेंट से पंचायत भी एक सैमी गौरमेंट पिंड की डिवेलपमेंट भी जी पिंड की डिवेलपमेंट कितों करनी है रस्ते जिहड़े रस्ते भी है भी चुके करते महकमा जंगलात देना असी इस करके हूँ असी कुछ नहीं कर सकते मतलब पंचायत भी कोई डिवेलपमेंट नहीं कर सदियाँ कोई भी सरकारी डिवेलपमेंट उस इलाके होनी बड़ी मुश्किल है। उन्होंने आश्वासन दिता है कि असं यह मुद्दा जो स्टेट लैवल से चुका हूँ इसे सरकार से पुछा चुका सरकार के अगर भी चुका जो साड़ी सरकार बनती है बीजेपी की सरकार बनती है तो असं मुद्दा जो है पूरा किसानों के हक च करा और इस सारे नोटिफिकेशन मुड़ के कैंसल करा जमीन लोग सारे चक्कर कट रहे हाई कोर्ट से चक्कर कट रहे लोअर कोर्ट से चक्कर कट रहे हैं सारे चक्कर ही कट्टी जा रहे हैं क्योंकि जो मालकी चली गई लोग कागज कागजी रेवन्यू रिकॉर्ड की इंट्री चेंज हो गई तो वो इस वजह का हरासमेंट की करना कोई उन्होंने लड़ना तो असं है नहीं क्योंकि लड़ नहीं सकते गरीब लोग है कितने लड़ सकते किसी न इस वे कोर्टों में चक्कर कटिया लोगों को हरासमेंट हो रही है फालतू की बिना मतलब तो कितों की चन्नी ये कह रहे हैं कि जी असं लाल गीर के अंदर लोगों को मालक बना देंगे जिसका कब्जा गा 12 साल उन्होंने कब्जा दे देंगे तो ये सदियों का कब्जा से लोगों का अपना फिर भी चुके जमीन महकमा जंगलात ना करती सानू इस गल की कोई समझ ही नहीं आई भी किहड़े कानून के तहत किदां कीती है सिर्फ धक्के नाल डीसी साहब के ऑर्डर के मुताबिक उन्होंने ये कर दी है ट्रांसफर करती है। अज धार ब्लाक के जिहड़े किसान मुख तौर के उपर पंजाब प्रधान अश्विनी शर्मा जी का धन्यवाद करना यह है कि उन्होंने साढ़े इस क्षेत्र के मुद्दे को पंजाब का मुद्दा बनाया और यह आश्वासन दिता कि हर हालत किसानों की जमीन किसानों वापस दवाई जाएगी जे सरकार नहीं देगी तो आने वाली सरकार जी भाजपा की सरकार बन जा रही है पंजाब वो इस मुद्दे को पहल के आधार पर दोबारा जमीन जी किसानों के नाम से की जाएगी। जिला पठानकोट का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल व कॉलेज 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। डेडिकेटेड कोरोना वार्ड, एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, व्हाइट मेडिकल कॉलेज भुंगल नियर डीएलएम रिसोर्ट पठानकोट। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज पठानकोट यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।